नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम बात करेंगे नवंबर माह के तृतीय सप्ताह की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम के डेट एग्ज़ाम के दिन पास आ रहे हैं और उस तरह की पृष्ठभूमि को देखते हुए जो वर्तमान या फिर जो करंट के डेट्स होंगे या करंट के मंथ्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि नवंबर तो अति महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसको बड़ा गहनता से आप कवर करें, बड़ी गहनता से आप इसे समझें। तो कोई डिले न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ है? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, ये भारत में ही आयोजित हुई है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018, और इसका आयोजन और इसके सबसे ज़्यादा मैच दिल्ली में आयोजित हुए हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। इसकी कुछ विशेषताएं भी बताते हैं आपको। इसमें ये फाइनलाइज हो चुका है और इसमें हमारे देश की जो प्रमुख मुक्केबाज हैं और जो विश्व की नंबर वन भी रह चुकी हैं मैरी कॉम जी, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता हुआ है और वो उनका छठा गोल्ड मेडल है। तो ये बहुत ही विशेष बात है और मैरी कॉम को एक एलियाज में, एक उर्फ नाम से भी जानते हैं। वो उर्फ नाम है इनका मैग्निफिशेंट मैरी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें याद रखिएगा। मैरी कॉम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगले प्रश्न पे आएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 9 वर्ष बाद अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को उस पर लगे प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। उसका कारण ये है कि यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो ऐसे ही किसी देश पर प्रतिबंध नहीं लगाती। जब प्रतिबंध ऐसे ही नहीं लग सकता तो वो ऐसे ही रिमूव भी नहीं होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा होगा उस तरह का रोल, अपनी प्रकार का रोल कि यूएनएससी ने इस पे 9 साल से प्रतिबंधित कर रखा था इस देश को। तो वो देश कौन से हैं आपके आपको बताना है। इसमें इसके ऑप्शंस हैं टर्की, जमैका, इथियोपिया और एरिट्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है एरिट्रिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। एरिट्रिया के बारे में आप जान लो, ये इथियोपिया कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री है, उससे ही ये अलग होके एक देश बना हुआ था एरिट्रिया। तो इसी को, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी, जो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही थी, इसी वजह से इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैन प्रतिबंध लगाया हुआ था। अब उस प्रतिबंध को रिलीज कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है उसको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगले पॉइंट, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। युवा सहकार नामक योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? जी हाँ दोस्तों, युवा सहकार नामक योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा हुई है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है कृषि मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा युवा सहकार योजना का उद्देश्य जो होगा वो होगा आमदनी बढ़ाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, उनकी उपज को एनहेंस कर देना। अब वो कैसे कैसे होगी, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये होता है, उनको अच्छी फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराना और सब्सिडाइज रेट में उपलब्ध कराना, उनको जो फार्मर्स के इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें सब्सिडी देना, अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड करा देना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना कृषि में, ये सारे मुख्य बिंदु होंगे। उसी को दृष्टिगत रखते हुए, उसी उसी को देखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका नाम है युवा सहकार योजना। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। हाल ही में सरकार ने तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? जी हाँ दोस्तों, 75वीं वर्षगांठ अभी सेलिब्रेट हुई है। अब वो किस इवेंट की है मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको बता दूं इसके ऑप्शंस हैं 15, 25, 50 और 75। क्योंकि जैसा इवेंट है, जौन सी वी वर्षगांठ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी टैग को इन्होंने सिक्के पे यूज किया है। तो 75 रुपए का सिक्का जारी हुआ है, इसमें 50% चांदी है और बाकी अन्य मेटल भी सिक्के में डाइल्यूट किए गए। ये सिक्का जो होता है वो केवल शोकेस्ड होता है, इसको कभी भी सर्कुलेट नहीं किया जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं, ये केवल गवर्नमेंट ने इसको केवल छापा है स्मृति के तौर पे और इसको रख दिया जाएगा संग्रहालयों में। अब इस इवेंट की कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो इवेंट है वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आईएनए का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, उस समय क्या हुआ कि हमारा जो हमारा जो दृष्टिकोण था हमारे देश के लिए, तो लोगों ने उस चीज़ को गलत समझा, विश्व ने, विश्व परिदृश्य में वो गलत समझा गया। इसके बाद युद्ध क्लैशेस स्टार्ट हुए। उस क्लासेस का जो पहला पॉइंट था वो ये था कि हमारा हमारा दूसरे या अन्य देशों से, उसमें आप जापान को भी ऐड कर सकते हो, हमारा युद्ध होना स्टार्ट हो गया। और उस युद्ध का जो प्रथम बिंदु था वो अंडमान निकोबार द्वीप का था। वहाँ पे एक जेल थी, सेलुलर जेल, और वहाँ पे ही इस झंडे को उस समय फहराया गया था। और वो टाइम था 1943। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसी की 75वीं वर्षगांठ इस साल सेलिब्रेट हुई है। उसी की वजह से, उसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए 75 रुपए का
ये सिक्का जनरेट किया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 30 दिसंबर 1943 को ये फ्लैग होस्ट किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब पोर्ट ब्लेयर से मान सकते हैं आप। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश कौन है? जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसे हर कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं और शायद ही आपको इस प्रश्न का कहीं जिक्र मिले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में समझ लें। आपके ऑप्शन हैं रूस, चीन, भारत और यूएसए, और मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर रूस है। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है वर्तमान में और आगे भी करता रहेगा, और नंबर 2 की पोजीशन में यूएसए है और नंबर 3 की पोजीशन में भारत है। रूस बहुत पीछे है, चाइना सबसे आगे है, चीन सबसे आगे है। आप इसे याद रखिएगा, चीन सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है पूरे दुनिया में, नंबर 1 पे है, और आगे आने वाले सालों में मतलब 2040 तक केवल चीन ही बैठेगा इस पोजीशन पे। नंबर 2 पे क्लासेस बदल जाएंगे, नंबर 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, आगे आने वाले सालों में नंबर 2 पे हो सकता है भारत पहुंच जाए, लेकिन अभी की स्थिति जो है वो चीन नंबर 1, यूएस नंबर 2 और भारत नंबर 3 पे है। अब ये मैंने डिस्कस क्यों किया है, उसका कारण ये है कि एक विश्व एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1974 को हुआ था। इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत एक दिन सर्वाधिक उत्सर्जक बन जाएगा कार्बन का, और जो कि बहुत भयावह स्थिति होगी। तो उसने प्रिडिक्ट किया है, उसने पहले ही आगाह किया है कि हम लोग अलर्ट हो जाएं और इस चीज़ को रोक लें। यूएस ने अपना काफ़ी हद तक कट डाउन किया है चीज़ों में, और बहुत जल्दी से नेगोशिएट करके वो अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर लेगा, लेकिन चीन और भारत ये अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं, प्लीज़ नोट डाउन करिए, ये प्रश्न पक्का पूछा जाने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसको दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन है ये फुटबॉल का, और इसका जो हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, ये हर साल अपना एक प्लेयर ऑफ द ईयर चुनता है, और इस साल किसको चुना है ये आपको बताना है। उसके ऑप्शंस हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, थिवॉट कुर्टियोज और ल्यूका मॉड्रिच। तो इसका करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है वो बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ये, और इनको ही प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है फीफा के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये वही सहिष्णुता है, इंटॉलरेंस जिसे बोलते हैं, तो ये वही है सहिष्णुता, असहिष्णुता, तो टॉलरेंस इनटॉलरेंस। तो इंटरनेशनल टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है, मतलब अगर आपसे कोई गाली देता है, आपसे कोई बदतमीजी करता है, तो आप बर्दाश्त करने की एक शक्ति डेवलप करिए, तो वही तो आप सहिष्णु कहलाएंगे। आप दूसरे धर्मों को भी खुद के अपने धर्म के साथ कोलैबोरेट करते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, तो आप सहिष्णु कहलाएंगे। तो वही इसी डे को सेलिब्रेट किया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब होता है। आपके ऑप्शन है 16 जून, 16 जनवरी, 16 नवंबर और 16 दिसंबर। करेक्ट आंसर इज 16 नवंबर। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, अगेन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनली सेलिब्रेट होता है, और ये भारत में कहाँ आयोजित हो रहा है 2018 में, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन हैं केरल, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, और आपका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के CM है कामरान संगमा और यहाँ के गवर्नर है तथागत रॉय। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहीं पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, ये अपने आप में नोट डाउन की बात है, नोट डाउन करने की बात है, आप इसे लिख सकते हैं इस प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, कुछ कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कुछ प्रश्न या फिर कुछ विशेषकर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही ये उसी टर्म को सार्वभौमिक बाल दिवस, सार्वभौमिक टर्म को देखते हुए मैंने इस डे को रखा हुआ है। काफ़ी स्पेशल है, आप इसे देख सकते हैं, कभी कभार ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें लगभग मतलब 90% पॉपुलेशन, 90% एस्पिरेंट्स होते हैं, एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो धोखा खा जाते हैं और कुछ गलत पिक करके चले जाते हैं। तो सार्वभौमिक बाल दिवस आपको बताना है कि कब सेलिब्रेट होता है, इसके लिए 4 नवंबर, 20 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर है 20 नवंबर। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, राजा राम मोहन राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है खेल, पत्रकारिता, विज्ञान, फिल्म।
आपका करेक्ट आंसर है पत्रकारिता। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2018, ये एक विशिष्ट पत्रकार हैं जो अपना कॉलम देते हैं द हिंदू में, इनका नाम है एन राम, ये उन्हीं को मिला हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये प्रश्न भी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। नोंग कर्म नृत्य समारोह किस राज्य का प्रमुख समारोह है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, और आपका करेक्ट आंसर है मेघालय। जी हाँ दोस्तों, नोंग कर्म नृत्य समारोह जो है वो मेघालय राज्य का प्रमुख नृत्य समारोह है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर मूव करेंगे। भारत का प्रथम हाथी चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? जी हाँ दोस्तों, ये भारत में पहली बार हुआ है इस तरह का कुछ इवेंट, इस तरह का कोई संस्थान खोला गया हो, और ये खोला गया है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा। ये अस्पताल, ये हॉस्पिटल, ये चिकित्सा केंद्र मथुरा जिले में खोला गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रथम है ऐसा, अपना अपने तरह का ये प्रथम है हाथी चिकित्सा केंद्र उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो है ना, वर्ल्ड क्लास या वर्ल्ड का सुपर लीडिंग मॉडल कैंपेन है, इसलिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसके ऑप्शंस हैं 24 नवंबर, 5 नवंबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर। करेक्ट ऑप्शन है 19 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस 2018 का जो थीम था वो था वैन नेचर कॉल्स। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसका थीम कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि हमारे ग्रुप सी के एग्जाम्स में थीम वगैरह नहीं पूछते हैं, सब्जेक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए, इस बार का जो सब्जेक्ट रहा है, थीम रहा है, वो रहा है वैन नेचर कॉल्स। बहुत बहुत धन्यवाद।